can be studied by using population genetics or population genetics ke according surf or surf reproduction and random mating

Then genetic drift can also bring the change in allele frequency, then mutation and migration. So, whatever may be the force which can change the allele frequency of population from generation to generation, this kind of force is called as evolutionary force. इन इवोल्यूशनरी फोर्सेस के बारे में हम लास्ट लेक्चर कर चुके हैं इवोल्यूशन हाउ दिस इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट एंड हाउ दे ब्रिंग द चेंज इन allele frequency दैट आल्सो वी डिस्कस्ड अलोंग विद सम मैथमेटिकल इक्वेशंस नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर पार्ट दैट इज एनिमल बिहेवियर सो लेट्स डिस्कस एनिमल behavior विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो बहुत सारे बिहेवियर्स है लेकिन कुछ बिहेवियर्स पर फोकस करना जरूरी है एज़ पर एग्जामिस्टिक और कुछ uh, जेनेटिकल बिहेवियर के एग्जाम्पल्स कुछ लर्न बिहेवियर के एग्जाम्पल के एग्जाम्पल behaviors के एग्जाम्पल हमें याद रखने पड़ेंगे और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद रखने के पड़ेंगे क्योंकि एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में बनते हैं इस एग्जाम में भी बनेंगे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा इवोल्यूशन के टॉपिक लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज एनिमल बिहेवियर दैट इज नथिंग बट स्टीरियोटाइपिक इवेंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिग्नल और एक्सटर्नल सिग्नल टाइपिक इवेंट्स परफॉर्म इन रेस्पॉन्स टू पर्टिकुलर सिग्नल दिस इज कॉल्ड एज द बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर यहां पर एक वर्ड आया है दट स्टीरियो टाइपिक मतलब है कुछ फिक्स एक्शन पैटर्न में हम इवेंट्स परफॉर्म करते हैं इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल दैट फिक्स एक्शन पैटर्न ऑफ आवर इवेंट्स परफॉर्म बाय इज कॉल्ड एस बिहेवियर बिहेवियर इज एन आउटपुट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिहेवियर इट इज एन आउटपुट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब किसी भी स्पेसिज में कोई भी बिहेवियर जस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के तौर पर आया नहीं है वह बिहेवियर किसी भी स्पेसिज में डेवलप होता है या आया है बिकॉज दैट इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फिटनेस टू ऑर्गेनिज्म दैट्स वाई वी आर सेली एवरी बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन हर कोई बिहेवियर वो लर्न काइंड का बिहेवियर हो या जेनेटिकल बिहेवियर हो ये नेचुरल सिलेक्शन से आता है क्योंकि बिहेवियर तभी डेवलप हो पाता है जब कोई बिहेवियर हमें फिटनेस प्रोवाइड करता है एनी काइंड ऑफ बिहेवियर इज फेवर्ड ओनली वेन दैट बिहेवियर इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फिटनेस टू दर्गेनिज्म अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करे आपकी एनर्जी खत्म होने वाली है आपकी एटीपी लगने वाली है तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी फेवर्ड हाँ उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है उस एटीपी के खर्चे से तो वह बिहेवियर आप में फेवर हो जाए या नेचुरली वह सिलेक्ट हो जाएगा इन जनरल हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर्स तीन प्रकार के होते हैं जेनेटिकल बिहेवियर्स तो देन लर्न बिहेवियर्स एंड मिक्स काइंड ऑफ बिहेवियर्स जनरल बिहेवियर्स तीन प्रकार के हैं जेनेटिकल एंड मिक्स्ड इनके बारे में तो हम हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये सभी के सभी के जो बिहेवियर्स बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स की बात हो रही तो दीज आर बिहेवियर्स रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी अकेले इंडिविजुअल ने दिखाए जाने वाले बिहेवियर्स की बात हो रही पूरे ग्रुप कोई बिहेवियर की बात नहीं हो रही हम जब कभी आगे ग्रुप्स में कोई बिहेवियर परफॉर्म किए जाते हैं उनको सोशलिस्टिक बिहेवियर देंगे इन जनरल मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स आर मोस्ट ऑफ बिहेवियर्स आर इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्टिव का मतलब है हैविंग अ फिक्स्ड प्रोग्राम इन योर जीनोम कि बहुत सारे बिहेवियर्स है उनके बारे में ऑलरेडी जीनोम में इंफॉर्मेशन होती है इसका मतलब उनके लिए जीन्स होते हैं वॉट एवर मे बी द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट मे बी आर दैट मे बी आ जेनेटिकल इवन लर्निंग के लिए भी कुछ जीन्स होने चाहिए तब जाकर लर्निंग हो सकती है ओके है तो इन जनरल मोस्ट ऑफ दी बिहेवियर्स आर हैविंग और दे आर इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्टिव का मतलब है हैविंग फिक्स्ड program having fixed program तो जैसे आपके मोबाइल में कोई फैसिलिटी तभी हो सकती है जब उसमें कोई ऐप ऑलरेडी हो अदरवाइज नहीं होगी इसका मतलब है हमारे पास वही बिहेवियर्स हो सकते हैं जिसके लिए हमने एप्स डाउनलोड करके कर रखी हुई है जीनोम में जीनोम में जो एप्स हम कह रहे हैं ना उसको हम कहेंगे जींस तो जींस जिसके लिए है वही प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं और इंस्टिंक्टिव का रहना क्यों जरूरी है एज बिहेवियर्स देविंग प्रोग्राम इट मीन एवरी इंडिविजुअल कैन कैरी आउट द बिहेवियर इन अ सेम मैनर तो वह पर्टिकुलर प्रकार का बिहेवियर सिमिलर मैनर से हर इंडिविजुअल करना स्टार्ट करेगा क्योंकि जीन्स हमारे पास है जेनेटिकली डिटरमाइन होता है हर बिहेवियर कुछ हद तक ओके okay? तो so, हम बिहेवियर्स की डेफिनेशन समझने के लिए जैसे कि मैंने कहा व्हाट इज बिहेवियर इट इज नथिंग बट इवेंट्स परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म इन अ स्टीरियोटाइपिक वे स्टीरियोटाइपिक वे का मतलब है इन अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न सो देयर इज वन बिहेवियर इन द दैट इज दिट्राइवल ऑफ एग इन द नेस्ट जब कभी उनका एग नेस्ट के बाहर चला जाता है तो वापस लाने की जो प्रोसेस है

उससे पहले और एक चीज लिख लेना कोई भी बिहेवियर होने के लिए पहले तो बाहर सिग्नल होना जरूरी है जैसे हम बात कर रहे हैं रिट्रावल ऑफ एग दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर एग को वापस नेक्स्ट में लाना ये बिहेवियर है ये तभी परफॉर्म होगा जब क्या मिलेगा सिग्नल मिलेगा वॉट इज द सिग्नल फॉर दिस बिहेवियर रिट्रेवल ऑफ एग इन द नेस्ट दिस बिहेवियर इज परफॉर्म ओनली वेन एग इज मूविंग आउट ऑफ द नेस्ट एग का नेस्ट के बाहर जाना यही क्या है सिग्नल है ओके नाउ हाउ एनी काइंड ऑफ बिहेवियर इज परफॉर्म कोई भी बिहेवियर कैसे परफॉर्म होता है पहले तो क्या होना चाहिए सिग्नल होना चाहिए दर इज नीड ऑफ अ सिग्नल व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल एनी एक्सटर्नल सिग्नल सिग्नल को रिसीव किया जाएगा सेंसरी ऑर्गन से तो दिज आर दी स्टेप्स कोई सेंसरी ऑर्गन सिग्नल को सेंस करेगा एंड दस दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द ब्रेन दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द ब्रेन और ऑलरेडी ब्रेन में प्रोग्राम फिक्स है इस प्रकार का सिग्नल आने पर क्या करना है ऑलरेडी फिक्स प्रोग्राम है तो ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और ब्रेन क्या क्रिएट करेगा डिसीजन क्रिएट करेगा डिसीजन बनाएगा कि चलो इस इस प्रकार का सिग्नल आया है तो मुझे इस प्रकार की चीज़ करनी है तो कई बार हम ऐसे भी कहे जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है क्योंकि हमारे ब्रेन में उस प्रकार का प्रोग्राम फिक्स है ही नहीं है बेसिकली उस प्रकार का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम आया है वी डोंट नो अबाउट दैट तो पहले तो हमारे ब्रेन में उस प्रकार की चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए जेनेटिक मेकअप के कारण ऑलरेडी वो प्रोग्राम फिक्स होना चाहिए तो सेंसेशन

रेस्पॉन्स तो so, ये एक्ट करेंगे किसी भी मसल पर सो so, कोई भी एक्शन करने के लिए हमारे पास मसल्स होना जरूरी है वॉट वी आर सेट इज बिहेवियर बिहेवियर इज नथिंग बट द इवेंट्स परफॉर्म इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल वॉट काइंड ऑफ इवेंट्स फिक्स एक्शन पैटर्न वाली इवेंट्स तो so, कोई भी इवेंट आपको परफॉर्म करना है तो मसलस का काम लगेगा ही लगेगा तो अल्टीमेटली मसलस गेट एक्टिवेट एंड रेस्पॉन्स इज डन तो इस डक में भी वही चीज हो रही है पहले तो उसने क्या किया इस एग को देखा उसको लगा कि चलो एग कहां गया है आउट ऑफ द नेस्ट चला गया है so a, और से जो सिग्नल जा जा जाने के बाद इस डग को पता चला वापस इसको क्या करना है नेस्ट में लाना है ओके नाउ इट विल टेक सम स्टेप्स आउट ऑफ द नेस्ट पहले तो ये बाहर निकल कर आएगा ओके सो द डक गेट गेट्स अप फ्रॉम द नेक्स्ट एंड आना पड़ेगा उसके बाद इस से बीक का यूज करना स्टार्ट करेगा उसको खींचना स्टार्ट करेगा और स्टेप बाई स्टेप अल्टीमेटली तो यहाँ पर हर इंडिव्यूजल उसी प्रकार की एक्शन कर रहा है जब कभी एग बाहर जाता है ना ये इस पर्टिकुलर इंडिव्युअल की बात नहीं है हर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर स्पीशीज का वही एक्शन पैटर्न कर कर एग को अंदर लाता है दैट इज कॉल्ड एज अ बिहेवियर ओके दिस इज वन एग्जांपल इन जनरल बिहेवियर के ये स्टेप्स है व्हाट आर दी स्टेप्स सिग्नल सिग्नल रिसीव करना उसके बाद प्रोसेस करना डिसीजन लेना और हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर कर मसल्स के थ्रू क्या करना रिस्पांस कराना सो दीस आर द स्टेप्स ऑफ बिहेवियर the study of study of behavior in natural environment called as ethology so what is ethology ethology is the branch of science which deals with the study of बिहेवियर्स इन नेचुरल एनवायरमेंट हाँ जबरदस्ती किसी से कुछ एक्शन करवा रहे हो तो उसको बिहेवियर थोड़ी कहेंगे नेचुरल एनवायरमेंट में किसी के दबाव में नहीं तो उस प्रकार की चीज जब आप स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड एज इथोलॉजी ओके तो इथोलॉजी स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को इथोलॉजिस्ट कहा जाता है और हम आगे डिस्कस करेंगे देर वॉज नो ब्रांच ऑफ एनिमल बिहेवियर इन द साइंस तीन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने इथोलॉजी को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इथोलॉजी के लिए फर्स्टली 1972 में नोबल प्राइज मिला इन तीनों को शेयरिंग में अलग अलग प्रकार के बिहेवियर स्टडी कर कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए विल डिस्कस अबाउट दिस थ्री साइंटिस्ट बट व्हाट इज द बिहेवियर बिहेवियर इज नथिंग बट इवेंट्स ऑफ और पैटर्न हैविंग इवेंट्स परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियर

कुछ इंसेक्ट्स हैं उसमें अपने घर को ढूंढने के लिए वो क्या यूज करते हैं हाउ दे विल फाइंड आउट देयर नेस्ट दिस इज कॉल्ड एज हाउ दे विल लोकेट देयर नेस्ट उनमें किस प्रकार के चेंजेस होते हैं और किस बेसिस पर अपने नेस्ट को लोकेट करते हैं फर्स्टली उन्होंने डिस्कवर किया दैट इज कॉल्ड एज एंट इनवर्जन एंट इनवर्जन आल्सो गिव इन्होंने कुछ फोर वाई सिस्टम बताई कि जब कभी आप बिहेवियर स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो खुद से उस बिहेवियर के रिस्पेक्ट में चार क्वेश्चन पूछ लेना दिस इज द दिस्टम कार्ड फोर वाई सिस्टम ऑफ टिन वर्जन तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टिन वर्जन का उसके बाद और एक साइंटिस्ट जिनका और कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट इज अ अर्नॉ लॉरेंज We firstly studied a learned behavior in case of ducks or gizzlings, and that kind of learned behavior is called as imprinting, imprinting type of learned behavior we firstly study here. There was another scientist called as Van Price. इन्फॉर्मेशन दी इन तीन अलग अलग डिस्कवरीज के लिए कंबाइनलीवेंटी टू में शेयरिंग में नोबेल प्राइज मिला एंड दिस वॉज दर्स्ट टाइम था कि जो कोई कोई तो भी एक्चुअली एनिमल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा था फर्स्टली द ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप दट इज इज इथोलॉजी सेवेंटी टू में इसका मतलब बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है नई नहीं, नहीं है बहुत सारी डिस्कवरीज और बाकी है इन जनरल हम वापस आएंगे टिनबरजन के फोर वाई सिस्टम पर वट इज इज फोर वाई सिस्टम आप भी कोई बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो किसी ऑर्गेनिज्म का तो ये चार क्वेश्चंस पूछ लेना ऐसा कह रहे हैं टिनबर्जेंस दिस इज कॉल्ड एज फोर वाई सिस्टम ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिहेवियर व्हाट इज द कॉज ऑफ बिहेवियर कॉज क्या है बिहेवियर का कॉज इसका मतलब है हाउ और व्हाट इज द कॉज मीन्स वॉट इज द सिग्नल रिक्वायर्ड टू हैव सच ऑफ़ बिहेवियर? उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए एक्सटर्नल सिग्नल क्या जरूरी है तो व्हाई अ डॉग इज बार्किंग दैट शुड बी नोन क्या सिग्नल था इसकी वजह से वो बार्किंग कर रहा है और दूसरी बात देर आर समीज दे आर वॉशिंग दोटैटोज इन द वॉटर पॉन्ड कोई मंकिश सैंड में पड़ी हुई ग्रेन्स को खाने के लिए सैंड उठा रहे हैं और पानी में डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है सैंड नीचे चला जाएगा ऊपर क्या रहेंगे ग्रेन्स वो खा रहे हैं तो इसका मतलब है बेसिकली इनके लिए लगने वाला सिग्नल आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज कॉस तो कोई भी बिहेवियर स्टडी करते समय आपको यह पहले पता करना होता है कि ये ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है व्हाट इज द एक्सटर्नल सिग्नल रिक्वायर्ड व्हाट इज द रिलीजर कि रिलीजर क्या है तो दैट शुड बी नोन अनदर क्वेश्चन इसी में कॉज में हाउ डज द बिहेवियर आकर सिग्नल क्या है और उसके साथ साथ हाउ डज द बिहेवियर आकर हाउ डज द बिहेवियर आकर मीन्स वॉट इज द फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ द बिहेवियर कॉज में भी एक्सटर्नल कॉज क्या है सिग्नल क्या है और इंटरनल कॉज क्या है वो बिहेवियर क्यों निकल रहा है इसका मतलब इंटरनल कॉज का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का बिहेवियर क्यों कर रहा है so तो एक्सटर्नल कॉज तो सिग्नल रहेगा इंटरनल कॉज का मतलब कौन सा हार्मोन बढ़ने के कारण ये बार्किंग कर रहा है कौन सा हार्मोन बढ़ने के कारण ये डांस कर रहा है सिंगिंग कर रहा है तो दैट इज कॉल कॉल्ड एज अ इंटरनल कॉज हाउ डज द बिहेवियर आकर मीन्स आपको यहाँ पर हार्मोनल एंड न्यूरो ट्रांसमीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है न्यूरो ट्रांसमीटर कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने के कारण या कौन सा हार्मोन ब्लड में बढ़ने के कारण ये बिहेवियर निकल कर आ रहा है दैट शुड बी एनालाइज यह है दो कॉजेस एक्सटर्नल कॉज एंड इंटरनल कॉज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ डज दिस बिहेवियर अफेक्ट हाउ डज दिस बिहेवियर चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट डेवलपमेंट का इफेक्ट इस बिहेवियर पर क्या होता है जो बिहेवियर चाइल्ड हुड में था वो अडल्ट हु तक वही है या कुछ चेंज हुआ है ओके okay? और चाइल्ड हुड के बिहेवियर से अलग और अडल्टुड के बिहेवियर से अलग इसका मतलब वो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के दौरान तो इस बिहेवियर पर डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट है या वी कैन से हाउ डज दिस बिहेवियर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू एज एज के साथ साथ ये बिहेवियर किस प्रकार से चेंज होता है ये मोर डेवलप बन जाता है या गायब हो जाता है तो क्या चेंज आता है यह स्टडी करना आपको पड़ेगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मतलब है फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या था हाउ डज दिस बिहेवियर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट और हाउ डज दिस बिहेवियर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू एज ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका मतलब हम बिहेवियर से रिलेटेड ऑन्टोजेनी डिस्कस कर रहे हैं ऑन्टोजेनी का मतलब है ऑर्गेनिज्म लाइफ पीरियड में होने वाले चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू बिहेवियर ओके द थर्ड वन इज वॉट इज और वाई इट इज परफॉर्म वट इज द पर्पज वाई इट इज परफॉर्म यह बिहेवियर क्यों किया जा रहा है ये हर क्वेश्चन पूछना चाहिए वाई इट इज परफॉर्म्ड इसके दो आंसर्स होते हैं तीन ने कहा किसी भी बिहेवियर के दो पर्पस या कॉज हो सकते हैं। इज फर्स्ट कॉज का मतलब है कौन से हार्मोन या कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के कारण बिहेवियर हुआ इसका मतलब ये आंसर किसका है बेसिकली मतलब होता है की कोई बिहेवियर आने के लिए कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है कौन सा हो रहा है ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है कौन सा हिस्सा का नहीं कर रहा है कौन सा हिस्सा ज्यादा काम कर रहा है तो ये स्टडी करना होता है प्रोक्सिमेट कॉज का ये तो ठीक है यह तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा है अप्रोक्सिमेट कॉज टेल्स अबाउट वॉट मैकेनिज्म ऑफ द बिहेवियर उस बिहेवियर का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है लेकिन पर्पज नहीं बताता है cause, actually, cause, cause, ये देर इज अनदर कॉज विच एक्चुअली द हिडन कॉज अल्टीमेट कॉज ये ढूंढना बहुत जरूरी होता है अल्टीमेट कॉज इजन मीन्स ये डायरेक्ट डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा आप किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज कर, कर इसको एनालाइज नहीं कर पाओगे अल्टीमेट कॉज इज नॉट इज द पर दिस बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आई ऑब्जर्व दैट देर आर समे आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन द अर्ली मॉर्निंग कुछ मेल बर्ड्स है जो सुबह सुबह गाना गाना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक okay, है उनका गाना अलग रहेगा हमारा अलग है ये अलग बात है लेकिन सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स आवाज निकाल रहे हैं सुबह सुबह तो दैट इज माय ऑब्जरवेशन तो ये मेरा ऑब्जरवेशन है अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए वाई दे आर सिंगिंग सॉन्ग मीन्स व्हाट इज द कॉज सिग्नल क्या है इंटरनल सिग्नल एज वेल एज एक्सटर्नल सिग्नल तो इंटरनल सिग्नल और एक्सटर्नल सिग्नल आपको ढूंढना पड़ेगा ये मॉर्निंग में ही क्यों गाना गा रहे इसका मतलब या तो उनको टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होगा या तो सनलाइट या फोटो पीरियड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मॉर्निंग सेवन से पहले ही गाना गा रहे इस प्रकार की चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी सेकेंड थिंग वॉट इज द इंटरनल चेंज तो हमने इस मेल बर्ड्स को पकड़ा जो गाना गा रहा था सुबह सुबह और उसके ब्लड की टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर ली तो पता चला दोपहर में और शाम में इसके ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन बहुत कम होता है लेकिन सुबह में जब गाना गाता है तब टेस्टोस्टेरॉन बहुत बढ़ जाता है तो व्हाट इज द अल्टीमेट सॉरी अप्रॉक्सिमेट कॉज इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरॉन तो यह पता चला कि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने के कारण मेनली टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने के कारण ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टार्स एक्टिवेट हो रहे हैं वह वोकल कार्ड्स को एक्टिवेट करा रहे हैं और ये सिंगिंग कर रहा है तो दैट इज एक्चुअली द मेके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज दिस बिहेवियर अफेक्ट और इट इज अफेक्टेड बाई द एज तो हमने तो देखा इनके बच्चे तो गाना नहीं गाते लेकिन मेल बर्ड्स अडल्टुड स्टेज आते आते गाना गाना स्टार्ट करते हैं तो यह डेवलपमेंट का इफेक्ट है इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड में यह बिहेवियर नहीं था जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो चुपचाप रहते हैं मॉर्निंग में और अडल्ट्स मेल गाना गाते हैं इसका मतलब ये किससे रिलेटेड एक्चुअल इसका पर्पज होगा डाउटफुली हमने देखा अडल्ट होने पर ये गाना गा रहे इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इनका पर्पज होगा ओके हाउ डज दिस अफेक्ट ऑन हाउ डज द एज अफेक्ट ऑन द बिहेवियर दैट वी स्टडी उसके बाद है हम इसका पर्पज पता करना चाहते थे तो वाई इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग वाई इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग वाई जनरेटिंग अ साउंड तो ये रहा अल्टीमेट कॉज अल्टीमेट कॉज का मतलब है पर्पज क्या है क्यों गाना गा रहा है तो हमने क्या किया कुछ बर्ड्स को पकड़े और उनके वोकल कॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हटाना पड़ेगा ना इस कोई बर्ड्स हमने ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिए कुछ बर्ड्स गाना गा रहे और कुछ बर्ड्स ऐसे बना दिए जो वोकल कॉर्ड के अलावा हैं ओके या उनके कुछ जीन से नॉकआउट कर दिए इसका मतलब उनको गाना गाने से रोका हमने तो पर, और आगे चलकर देखा उन कौन सी फिटनेस पर इफेक्ट हो रहा है तो हमने देखा ऐसे बर्ड्स जिनके वोकल कॉर्ड्स हमने निकाल दिए उनको कोई भी फीमेल सिलेक्ट नहीं कर रही है मेटिंग के लिए तो इसका मतलब अल्टीमेटली पर्पज क्या है फिर इस बिहेवियर का व्हाट इज द पर्पज अट्रैक्शन ऑफ मेटिंग पार्टनर इस प्रकार से हमने चारों सॉरी तीन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए क्या था ठंड होगी या अर्ली मॉर्निंग के सनलाइट होगा या फोटो पीरियड होगा कुछ ना कुछ होगा एक्सट्री नेक्स्ट डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है तो चाइल्डहुड में नहीं था अडल्टुड में आ रहा है उसके बाद अल्टीमेट कॉज का purpose means, purpose क्या पता चला इट इज फॉर अट्रैक्टिंग द मेटिंग पार्टनर इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द टेरिटरी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होता है हाउ डज दिस बिहेवियर

और इवोल्यूशन में दो ही प्रकार की फिटनेस कोई भी बिहेवियर कंट्रीब्यूट कर सकता है या तो सर्वाइवलेंस की या तो रिप्रोडक्शन तो कोई भी बिहेवियर का अल्टीमेट 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 कॉज 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 आखिरी में वही आएगा कोई भी बिहेवियर काज या तो रिप्रोडक्शन होगा या तो सर्वाइवलेंस होगा तो दैट इज एक्चुअली द आंसर ऑफ रिश्नरी इफेक्ट तो किसी भी बिहेवियर को स्टडी करते समय चार क्वेश्चंस खुद को पूछ लेना वाई मीन्स व्हाट इज द कॉज

इन जनरल बिहेवियर्स को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन द मेकेनिज्म बेस्ड ऑन द इंटरनल कॉज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ ट्रेनिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस तो हम इसको जेनेटिकल बिहेवियर कहेंगे लर्न बिहेवियर कहेंगे और मिक्स बिहेवियर कहेंगे

जेनेटिकल बिहेवियर्स आर बायर्थ जेनेटिकल बिहेवियर बायटिकल बिहेवियर का प्रोग्राम फिक्सड होता है जेनेटिकल बिहेवियर्स वेरी सिंपल जेनेटिकल बिहेवियर्स आर वेरी सिंपल और जेनेटिकल बिहेवियर हर इंडिविजुअल में एक तरीके से ही परफॉर्म किए जाते हैं सेम स्पेसिक जेनेटिकल बिहेवियर्स आर स्पेसी स्पेसिफिक देर इज नो चेंज एट एट ऑल इन द बिहेवियर ओके तो हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ बिहेवियर्स सीख कर ही परफॉर्म नहीं किए जा सकते क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ बिहेवियर्स को सीखना मतलब है फिटनेस कम कर लेना ओके okay? अपनी फिटनेस को कम करना है तो कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आने चाहिए दैट्स वाई सर्वाइवलेंस एंड रिप्रोडक्शन कॉस्ट सॉरी सर्वाइवलेंस एंड रिप्रोडक्शन इंक्रीज ओके तो हम जैसे डरना है फियर है कि किसी रैट को स्नेक दिख गया तो भाग कर निकल कर जाना चाहिए फिर लर्निंग से दुनिया तो आएगा ना ट्रेनिंग देकर फिर ट्रेनिंग देगा तो ट्रेनिंग के समय ही शहीद हो जाएगा वो तो इसके लिए तो इसका मतलब है बेसिकली हर चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आने चाहिए अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए रुकेंगे तो फिटनेस कम हो जाएगी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उतनी पे नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो चुके हैं नेचर में जिनको इस प्रकार के बिहेवियर बाय डिफॉल्ट आते थे बाय बर्थ आते थे उनके लिए जीन्स होते हैं जेनेटिकल बिहेवियर्स देर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग लर्न बिहेवियर्स लर्न बिहेवियर्स के लिए भी जीन्स होते हैं लेकिन लर्न बिहेवियर्स तब तक नहीं आते जब तक किसी से ट्रेनिंग ना ली जाए किसी से एक्सपीरियंस शेयर ना किया जाए किसी का ऑब्जर्वेशन ना किया जाए ओके okay? या किसी ने इंफॉर्मेशन ना दी तब तक लर्न बिहेवियर परफॉर्म नहीं हो सकते तो देर इज नीड ऑफ ट्रेनिंग यहां पर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और लर्न बिहेवियर उन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में उन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जहां पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर बिहेवियर में थोड़ा थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी होती है क्योंकि जेनेटिकल बिहेवियर दे डोंट हैव टू बी दे कैन नॉट बी चेंज एज पर द नीड हम चेंज नहीं कर सकते उन बिहेवियर्स को जेनेटिकल हैं ड्रॉबैक लर्न बिहेवियर कहाँ इवॉल्व हुए होंगे जहां पर जरूरत के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है वहां पर लर्निंग जरूरी होती है लर्न बिहेवियर्स आर डेवलप्ड और दे आर इवॉल्व्ड फॉर काइंड ऑफ दोस्पॉन्सेज वेर देर इज नीड टू टेक वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ओके मिक्स काइंड ऑफ बिहेवियर्स क्या होते हैं यहाँ पर भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है लेकिन जीन्स जरूरी होते हैं तो एक्चुअली जींस डिसाइड व्हाट टू लर्न सीखना क्या है ये जीन्स डिसाइड करेंगे लेकिन वह बिहेवियर तब तक नहीं आएगा जिस जब तक किसी से ट्रेनिंग ना ली जाए जैसे बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें कर्ट बिहेवियर्स जैसे कर्ट डांस होगा कर्ट सॉन्ग होगा वर्ड को तो पता है जींस में ही है इस प्रकार ये क्या करना है मीटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई सॉन्ग गाना है ओके okay? सॉन्ग की सिंगिंग करनी है ये तो उसको पता है लेकिन क्या गाना है ये पता नहीं है? उसको सुनना पड़ेगा बार बार लर्निंग करनी पड़ेगी किसी से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस, इस प्रकार से गाना गाकर अट्रैक्ट किया जाता है ये अडल्ट से येल्डर से उसको पता करना पड़ेगा तो दैट शुड बी काइंड ऑफ बिहेवियर मिक्स में तो उस स्पेसी स्पेसिफिक बिहेवियर ही होता है लेकिन लर्निंग जरूरी होती है ट्रेनिंग जरूरी होती है यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ये तो एज पर कंडीशन मॉड्यूलेट हो सकता है यू कैन लर्न द बिहेवियर ऑफ अदर स्पेसीज ऑल्सो दूसरे स्पेसी जैसे भी आप बिहेवियर कर सकते हो लर्निंग से ओके okay? ये पूरी तरह से लर्न है और यहाँ पर तो बिल्कुल लर्निंग के लिए कोई चांस ही नहीं इस प्रकार के तीन प्रकार के बिहेवियर से लेकिन कैसे पता करें कोई बिहेवियर किस प्रकार का how to know whether behavior is learned genetical or mixed so in general ethologist ne kaha do prakar ke experiment kar lo aur aapko directly samajh mein aayega ki koi behavior genetical hai learned hai ya mixed hai what kind of experiments can be done the first one is deprivation experiment Deprivation experiment और second experiment होता है हाइब्रिडाइजेशन experiment. तो इन दोनों experiment का use कर कर आप पता कर सकते हो कि कोई बिहेवियर लर्न है मिक्स्ड है या जेनेटिकल है अब डिप्राइवेशन का एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है जैसे हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया देर इज अ डक स्पेसिस देर इज अ डक स्पेसिस हैविंग अ बिहेवियर कॉल्ड एज कर्सिव डांस कोई डक स्पेसिस है मान लीजिए स्पेसिस एक्स इस स्पेसिस एक्स में जो मेल बर्ड होते हैं उन प्रकार उनका कोई डांस है इस प्रकार का देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पर ये यह भागता हुआ इधर जाएगा उसके बाद इधर आएगा उसके बाद यहाँ जाएगा और वापस यहाँ आएगा तो दैट इज काइंड ऑफ डांस तो हमारे हिसाब से हमने इस प्रकार का एक पैटर्न फिक्स्ड एक्शन पैटर्न ड्रा कर लिया ओके okay? तो so हमें क्वेश्चन ये है कि ये बिहेवियर किस प्रकार का है जेनेटिकल है या इसको किसी ने सिखाया है सीखने के कारण आया है या जेनेटिकल बाय डिफॉल्ट था बाय बर्थ था ओके ये हमें चेक करना है तो हमने क्या किया इन बर्ड्स के एग्स फर्टिलाइज एग ले लिए तो मतलब अब तक तो इसने दुनिया भी देखी नहीं है उसको हमने डिप्राइव किया बाकी पॉपुलेशन से ओके? एग्स ले लिए और हमने इनक्यूबेटर में हैचिंग कराई उसकी हैचिंग इन in इनक्यूबेटर किसी भी एल्डर इंडिविजुअल के साथ इसको रखा नहीं किसी का कॉन्टेंट भी नहीं आने दिया हमने इसको जो अडल्ट होते हैं उनका जो लोग इस प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म करते और इसको हमने केज में रख दिया और हम खुद खाना खिला रहे हैं उसको ओके अल्टीमेटली ये बड़ा हुआ अडल्ट हो गया अब इसको ऑब्जर्व करो ये किसी के भी कॉन्टेंट में नहीं है उसको पता ही नहीं है एक्चुअली डांस कैसे किया जाता है किसी ने बताया नहीं है हाँ, खुद इंडिपेंडेंटली रहकर डिप्राइव कंडीशन में रहकर अलग रहकर वापस उस प्रकार का ये डांस परफॉर्म करने लगे तो इसका मतलब है सेम प्रकार का डांस जो बाकी लोग करते हैं उस प्रकार का ही डांस ये ये करने लगा इसका मतलब क्या है जेनेटिकल बिहेवियर डिप्राइव कंडीशन में भी सेम बिहेवियर किसी इंडिविजुअल से बाकी इंडिविजुअल जैसे आता हो तो वह बिहेवियर क्या कहलाएगा जेनेटिकल बिहेवियर बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है जीन्स से डिटरमाइंड है प्रोग्राम फिक्स है इसका ओके okay? यहां पर लर्निंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन मान लीजिए हम डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसा कुछ हो जाता ऐसा कुछ हो रहा है कि यह डांस ही नहीं कर रहा है पता ही नहीं है क्या करना है इसका मतलब क्या है इट इज टोटली लर्नड ये टोटली लर्न है इसको पता ही नहीं है एक्चुअली कैसे अट्रैक्ट किया जाता है या किस प्रकार से कर्सिप बिहेवियर्स किए जाते हैं दैट इज नॉट टोटली नोन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लर्न डिप्रेशन एक्सपेरिमेंट में अडल्ट जैसा कोई बिहेवियर ना आता हो बिल्कुल भी तो हम कहेंगे ये लर्न है तो ये अडल्ट बनने के बाद डांस तो करने लगा लेकिन इस प्रकार का करने लगा कुछ और तो इसका मतलब है डांस करना ये जीन्स में है लेकिन देखा नहीं एक्चुअली कैसे किया जाता है इस अब तक हमारे स्पेसिस का डांस कैसा होता है हमें पता ही नहीं है तो इसलिए हम क्या कह रही है किस प्रकार का बिहेवियर हुआ इट इज अक्स का तो बेसिकली डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी बिहेवियर लर्न है या जेनेटिकल है या मिक्सड है इसके अलावा और एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोई स्पेसिस एक्स इस स्पेसिस का डांस मान लीजिए इस प्रकार का है झेड़ अल्फाबेट जैसा ये मूवमेंट करता है मीटिंग पार्टनर और उसी से बहुत क्लोज स्पेसिस हैं जिसमें अभी तक रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं आया है दैट इज असिस वाई और ये इस प्रकार का डांस परफॉर्म करता है तो दैट इज परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ डांस वो अल्फाबेट की जैसे डांस करता है सर्कुलर फॉर्म में मूव होता है तो दैट इज काइंड ऑफ डांस फॉर स्पेसिस वाई तो हम क्या करेंगे इनमें रिप्रोडक्टिव बैरियर तो पूरी तरह से आए नहीं है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डाइबोटिक बैरियर्स है इन दोनों को क्या कराएंगे क्रॉस कराएंगे दोनों का क्या बन जाएगा हाइब्रिड बन जाएगा इसका मतलब हाइब्रिड में जीन्स तो दोनों से आए हैं ना स्पेसिस वाई के भी है कुछ स्पेसिज एक्स के भी है और इनके जो बच्चे हैं, इनको अलग अलग कर कर कुछ स्पेसिस एक्स के साथ रख लेंगे स्पेसिस एक्स के अडल्ट और ये हाइब्रिड एक साथ रखेंगे एक पिंजरे में और ये हाइब्रिड और स्पेसिस वाई के कुछ आडर्ट्स ताकि वो उनको क्या दे सके ट्रेनिंग दे सके ओके तो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन ऐसा मिला कि जब कभी ये हाइब्रिड हम स्पेसिस एक्स के साथ रखते हैं तो झेड़ टाइप का डांस परफॉर्म कर लेता है इस प्रकार का और जब कभी हम स्पेसिस वाई के साथ रखते हैं तो ये अच्छी तरीके से इस प्रकार का सर्कुलर डांस परफॉर्म कर लेता है इसका मतलब ये लर्न है ट्रेनिंग दी इन्होंने नहीं तो ऐसा हो जाता हाइब्रिड जो है ये फ्यूजन डांस करता मीन्स इस प्रकार से जेड अल्फाबेट बनाते बनाते इस प्रकार से सर्कुलर मूवमेंट करने लगता है इस प्रकार से कुछ तो इट मीन्स हाइब्रिड इज हैविंग अ बोथ काइंड ऑफ डांस ये कंफ्यूज्ड है जेनेटिकली कंफ्यूज्ड है बेसिकली माइंड से कंफ्यूज नहीं है जेनेटिक्स में ही कंफ्यूज है ये ये भी जींस कह रहे हैं जेड टाइप का डांस करो वो भी कह रहे सर्कुलर करो तो दोनों का मिक्स करने लगा तो दैट इज कॉल्ड एज अब इसको हम क्या कहेंगे जेनेटिकल काइंड ऑफ बिहेवियर हाइब्रिड जब कभी दोनों का या फ्यूजन डांस करना स्टार्ट करता है फ्यूजन बिहेवियर करना स्टार्ट करता है तो हम कहेंगे ये जेनेटिकल है और किसी एक स्पेसिस जैसा पूरी तरह की तो हम कहेंगे ओके सो दीज आर दी टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन फॉर

कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे एज आई सेड जेनेटिकल बिहेवियर्स दे डू नॉट रिक्वायर लर्निंग दे आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स देर इज नो नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाई एल्डर्स दे आर बाय बर्थ एंड देयर प्रोग्राम इज फिक्सडे कैनॉट बी चेंज एज पर द नीड तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है देर so, वॉज फर्स्ट जेनेटिकल बिहेवियर स्टडीड बाय वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज टाइरोड आउट वन एक्सपेरिमेंट इन द माइस कॉल्ड एज टायरॉन एक्सपेरिमेंट टायरॉन ऑब्जर्व दैट माइस कैन सर्च देयर फूड दे कैन सर्च देयर फूड बाय देर ऊन क्या बिहेवियर है

बच्चा जब था चाइल्ड हुड के स्टेज में जैसे फूड सर्च करता था अडल्टुड स्टेज में आते आते वही उसी तरीके से कर रहा है या कोई पैटर्न चेंज हो चुका है ये भी हम पढ़ सकते हैं अल्टीमेट कॉज क्या है वाइड इज सर्चिंग द फूड फॉर सर्वाइलेंस फॉर सर्वाइलेंस ओके दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द फिटनेस ओके तो बेसिकली सर्वाइलेंस फिटनेस की वजह से इसको इवॉल्व किया गया ये पूरी चीज़ें हमने एनालाइज कर ली अब ये क्वेश्चन है कि ये जेनेटिकल है या लर्न है ये पेरेंट्स से सीखता है अपने दोस्तों से सीखता है कि कैसे फूड सर्च किया जाता है या बाय डिफॉल्ट है जीन्स में है तो इसलिए उन्होंने डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट कर कर उन्होंने पहले तो एक केज बना लिया कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से जिसमें फूड की साइट पर जाने के लिए एक ही रास्ता रखा हुआ है और यहाँ से एंट्री है और फूड यहाँ रखा गया है इस प्रकार का कोई केज उन्होंने बनाया होगा तो कुछ माइस उन्होंने कलेक्ट कर लिए और यहाँ छोड़ दिया फूड रखकर और उन्होंने देखा देर आर माइस दे सर्च द फूड इन वेरी शॉर्ट टाइम वो जल्दी सर्च कर लेते हैं तो उन्होंने उनको उन्हों कहा ब्राइट माइस अच्छे है होशियार है ब्राइट माइस क्योंकि आगे प्रिपरेशन हो रही है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ब्राइट माइस ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए दो मिनट्स में अपना खाना सर्च कर लेते पिंजरे में पिंजरे में केज में जो ट्रैप है उसमें ओके और, और कुछ माइस थे ये सर्च करते समय बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं दस मिनट का का मतलब इन उतनी अच्छी सर्चिंग आती नहीं है उनको उन्होंने कहा डल माइस उतने ब्राइट नहीं उतने होशियार नहीं ओके अब तक तो पता नहीं चला कि बेसिकली whether this behavior is learned और uh, what kind of behavior A genetical behavior तो उन्होंने क्या किया एक ब्राइट मेल लिया और एक डल फीमेल ली इन दोनों का क्रॉस किया इनके ऑफस्प्रिंग आए ओके ब्राइट फादर एंड डल मदर इस प्रकार का क्रॉस कर कर ऑफ आप स्प्रिंग ऑप्टेन कर लिया और उनको भी कहा सेम पिंजरे में सेम केज में क्या करो फूड सर्च करो ओके और देखा गया ये ना फादर इतने फास्ट है ना मदर इतने डल है ये पांच से लेकर सात मिनट में अपना फूड सर्च कर लेते क्या मतलब क्या बने हाइब्रिड बने ना ये फ्यूजन मीन्स क्या हो रहा है इनको हम फादर के साथ भी रखकर देखे फादर की कॉलोनीज के साथ मदर की कॉलोनीज के साथ इन दोनों को इन इन बच्चों को हमने फादर के साथ रखकर भी देखा मदर के साथ भी रखकर देखा लेकिन ये किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है ना फादर जैसा ना मदर जैसा उतना होशियार भी नहीं है उतना डल भी नहीं है इंटरमीडिएट बिहेवियर करने लगा इसका मतलब फ्यूजन डांस जैसे हो रहा था उस प्रकार का यहाँ पर आउटपुट आ रहा है सो दिस इज द बिहेवियर दिस इज द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट वॉट इट इज वॉट बिहेवियर जेनेटिकल बिहेवियर उसके आगे क्वेश्चन आया टाइर एक्सपेरिमेंट के आगे उन्होंने तो प्रूव कर लिया है, जेनेटिकल बिहेवियर नेक्स्ट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनेटिकल बिहेवियर विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली फाइंडिंग अ पर्टिकुलर स्पेस एक्चुअली फाइंडिंग द पर्टिकुलर प्लेस कोई जगह ढूंढने के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है तो उसके बाद फिजियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए माइस लिया उसका तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रेन के अलग अलग हिस्से ब्लॉक कर कर या ब्रेक कर कर इसको यहाँ पर पर्टिकुलर फूड सर्च करवाने लगे और अल्टीमेटली पता चला विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग द फूड और फॉर लोकेटिंग द पर्टिकुलर प्लेस कोई जगह ढूंढने के लिए जैसे हमारे दोस्त का घर ढूंढना है या कोई शॉप ढूंढनी है अपना कॉलेज ढूंढना है क्लास कुछ भी ढूंढने के लिए जो ब्रेन का हिस्सा हमारे काम में आता है दैट इज कॉल्ड एज हिपो कैंपस ओके उसके बाद हिपो कैंपस में भी कौन से जीन्स की वजह से यह बिहेवियर परफॉर्म होता है तो जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी का यूज कर कर तो हमने ब्राइट माइस के कुछ जींस नॉकआउट कर कर देखे ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड हिपो कैंपस में वो पर्टिकुलर जीन नॉकआउट होना चाहिए बाकी पूरी बॉडी में काम करना चाहिए

सर्चिंग के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है काम तो हमने ब्राइट माइस माइस का लेकर डल में इंट्रोड्यूस किया तो पता चला ये भी होशियार बने इसका मतलब ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करा रहे अल्टीमेटली दे आर प्रूविंग दैट दिस बिहेवियर इज वॉट का जेनेटिकल बिहेवियर इस प्रकार एक्सपेरिमेंट का यूज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट

का मतलब है उनका पैटर्न उनका प्रोग्राम फिक्स होता है जब तक जीन्स में चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता जान बुझ कर कोई भी जेनेटिकल बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता एज पर नीड तो हमें भी कुछ जेनेटिकल बिहेवियर्स होंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते लर्निंग से या एक्सपीरियंसेस से या ट्रेनिंग से वो तो हो ही जाएंगे जीन्स के मुताबिक ओके इंस्टिंक्टिव होते हैं इसका मतलब उनका पैटर्न फिक्स होता है नेक्स्ट थिंग देर इज नो नीड ऑफ लर्निंग दे आर बाय बाय बर्थ डिफॉल्ट होते हैं लर्निंग की जरूरत नहीं है बाय बर्थ होते हैं होते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न होता है हर इंडिविजुअल में उसी प्रकार से फूड सर्च किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट है फॉर जेनेटिकल बिहेवियर्स वन और मोर जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल जैसे एक तो जीन हमने डिस्कस कर लिया

ये जो बिहेवियर्स है जीन से डिटरमाइन होते हैं तो इसमें चेंज नहीं किया जा सकता इसलिए इवोल्यूशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ सिंपल काइंड ऑफ बिहेवियर्स जेनेटिकल बिहेवियर्स रखे हुए हैं सिंपल बिहेवियर्स जहां पर कुछ और ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है रेस्पॉन्स देते समय ओके सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स 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 सिंपल आर जनरली जेनेटिकल कौन से बिहेवियर्स जेनेटिकल बन चुके हैं या कौन से बिहेवियर जेनेटिकल होते हैं या कोई बिहेवियर जेनेटिकल कब बन जाता है और कब बनना चाहिए लर्निंग में कॉस्ट जब ज्यादा होती है इवन डेथ भी हो सकती है लर्निंग के दौरान तो इससे अच्छा है कि वह जीन से डिटरमाइन ओके तो जेनेटिकल बिहेवियर्स आर डेवलप्ड जेनेटिकल बिहेवियर्स आर डेवलप्ड फॉर दोस्पॉन्सेस वेयर द कॉस्ट फॉर द लर्निंग इज वेरी हाई बिहेवियर्स की लर्निंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है उन बिहेवियर्स को अच्छा है जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाए, जेनेटिकल होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि लर्निंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि हर बार उसको ट्रेनिंग देकर हम उसको सिखा नहीं सकते क्योंकि लर्निंग के दौरान भी डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और लर्निंग के दौरान ही डेथ हो गई तो उसका क्या मतलब फिर सिखाकर ओके तो इसलिए इस प्रकार के बिहेवियर्स बाय डिफॉल्ट किस प्रकार से इवॉल्व हो चुके हैं जेनेटिकली इवॉल्व हो चुके हैं नेक्स्ट थिंग अब सिखाने के लिए कोई ना कोई आर्डर्ट बचना चाहिए ना जनरेशन के बाद तो कुछ ऐसी स्पेसिस होती है जिनमें बच्चा दुनिया में आने के पहले तो पेरेंट चले जाते हैं ओके आफ्टर लेइंग द एग्स बिफोर हैचिंग द ऑफ स्प्रिंग्स दे द डेथ तो सिखाएगा कौन सिखाने के लिए उनके स्पेसिस का को कोई मेंबर बच रहा ही नहीं है तो उनके बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए फिर जेनेटिकल होने चाहिए इफ नो जनरेशन जैसे स्पाइडर्स में स्पाइडर्स में स्पिनिंग द नेटवर्क नेट स्पाइडर्स में नेट स्पिनिंग जो बिहेवियर है वह जेनेटिकल है क्यों और एक पर्टिकुलर स्पाइडर की स्पीसीज का नेट देखा जाए तो सेम पर्टिकुलर नेटवर्क का होता है हर पैटर्न डिसाइडेड है हर किसी स्पाइडर का नेटवर्क सेम नहीं रहेगा लेकिन हर स्पेसीज के स्पाइडर ने जो बनाया गया नेटवर्क होगा या नेट होगा वो हंड्रेड परसेंट सेम रहेगा दैट इज इट क्योंकि उनको सिखाने के लिए पैरेंट बचते ही नहीं है बेसिकली ऐसे ऐसे बनाया जाता है ऐसे जाली बनाई जाती है ऐसे कोई बताएगा नहीं उनको तो बाय डिफॉल्ट जीन्स से डिटरमाइन ओके okay? तो जहां पर ओवरलैपिंग पॉपुलेशन नहीं होगी ओवरलैपिंग जनरेशन नहीं होंगे वहां पर भी जेनेटिकल बिहेवियर को फेवर किया जाता है और एक चीज़ कौन से बिहेवियर्स को जेनेटिकली रखा गया है जैसे मैंने कहा सिंपल व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जेनेटिकल बिहेवियर द ड्रॉबैक ऑफ जेनेटिकल बिहेवियर इज दैट दे कैन नॉट बी चेंज एज पर द नीड जरूरत के हिसाब से हम उनको चेंज नहीं कर सकते हमारे हिसाब से हमारी थाट पावर से या एक्सपीरियंसेस से जीन्स सॉरी ट्रेनिंग से हम उसको चेंज नहीं कर सकते दैट इज अ इशू और कुछ बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन मान लीजिए ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं जो हैड्रोजिनस सिग्नल के रेस्पॉन्स में करने होते हैं हेड्रोजिनस सिग्नल के रेस्पॉन्स में करने होते हैं मीनस हर बार वो सिग्नल आया और वही बिहेवियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सिग्नल देख कर बिहेवियर करना होता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने होते हैं उनको तो जेनेटिकल रखकर मतलब नहीं है उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और आपको अपने सिग्नल के हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से जब कभी बिहेवियर करने की जरूरत आती है वह बिहेवियर जिनको हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कहते हैं उनको तो छोड़ दो जेनेटिकल बनाओ ही मत ओके जेनेटिकल बिहेवियर रहता लर्निंग मान लीजिए जेनेटिकल बिहेवियर होता तो सबके सब हो जाते तो मतलब क्या है फिर इसका ओके okay, तो रखा नहीं अपने आपने हिसाब से अपना करियर चुनना चाहिए so जो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके डिसीजन के बेसिस पर जिनको चॉइस करना होता है वो लर्न रहे तो अच्छा है ताकि आपने अपने हिसाब से वो जो अच्छी ट्रेनिंग लेगा वो अच्छा कर पाएगा उस पर्टिकुलर बिहेवियर को ऐसे भी होता है ओके okay? तो टाइगर्स में या लायंस में टाइगर या लायंस में शिकार करना तो हर किसी को उतना अच्छा आए जरूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग का हिस्सा है बेसिकली फादर ट्रेनिंग देंगे आगे आगे हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल केयर बिहेवियर में कि बेसिकली तो बच्चों को सिखाया जाता है किस प्रकार से प्रे को कैप्चर करना है किस प्रकार से जंप लेनी है किस प्रकार से भागना है पीछे पीछे ये सब चीज़ें सिखाई जाती है जिसके पेरेंट बहुत ट्रेंड है उसके बच्चे भी ट्रेंड रहेंगे तो दैट्स वाई और जो अच्छा ट्रेनिंग लेगा जो अच्छा बिहेवियर करेगा उसको फूड ज़्यादा मिलेगा और फूड ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली तो उसके बच्चे ज़्यादा आएंगे मीन नेक्स्ट जनरेशन में बेटर शिकार करने वाले ही टाइगर्स पैदा होंगे ओके तो so, इस प्रकार से ये इफिशियंसी uh, बढ़ती जाती है उस पर्टिकुलर लर्न बिहेवियर की दिस इज अबाउट जेनेटिकल बिहेवियर और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है तीन प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं एक हनी हाइव पर एक ही क्वीन होती है ओनली वन क्वीन आकर क्वीन इज द फीमेल and it is deployed, we'll discuss drones they are haploid these are the males and they are haploid as I said there are some females workers they will work like a nurses in the hospitals workers they are also deployed बट दे डोंट हैव ओरी दे कैन नॉट रीप्रोड्यूस एक हाईवे पर बहुत सारे मेल्स हैं फीमेल्स भी बहुत सारी है लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स सभी वर्कर्स है केयर टेकरस है और एक ही क्वीन है रानी एक ही है राजा बहुत बहुत सारे हैं और वर्कर्स बहुत सारे हैं इन दोनों का काम तो है सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्प्रिंग्स बनाना दोनों का काम इनको बाकी कोई काम ही नहीं लगाता है कोई भी नहीं लगाता कि हानिहााय सॉरी नेक्टार कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं बोलेगा ड्रोन को चलो मेरे साथ नेक्टर लाना है क्वीन को कोई नहीं बोलेगा ये बाकी जितने भी काम हैं वर्कर को दिए गए हैं तो पर देयर नेम दे कैरी आउट ऑल अदर फंक्शंस एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन ओके नेक्टर कलेक्शन करना नेक्टर ढूंढना कहाँ अच्छा मिलता है कहाँ टेस्ट अच्छी है कितना दूर है ये सभी चीज़ें उनके पास होती और दूसरी बात जब कभी क्वीन रिप्रोड्यूस करेगी एग लेइंग करेगी एग्स लेइंग करने के बाद उससे और उसके बाद लार्वा बन जाएंगे और सभी के सभी लारवा जिंदा बचे जरूरी नहीं है कुछ कुछ लार्वा को इन्फेक्शन हो जाएगा उनकी डेथ हो जाएगी तो लार्वाज दे आर केप्ड इन द स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स एज सेल्स यानी हाई ऊपर इस प्रकार के कंपार्टमेंट्स होते हैं इनमें क्या रखे जाते हैं लार्वा रखे जाते हैं और इस हर सेल में एक कैप होती है इस प्रकार से देर इज वन कैप और यहाँ पर लार्वा रखे गए okay? तो लार्वा बनाने का काम क्वीन और ड्रोन का मिलकर है उसकी केयर करने का काम किसको दिया गया है वर्कर्स को तो लार्वा की डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे लार्वास की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वर्कर क्या करते हैं हर वेल की कैप खोलेंगे उस स्टेप को हम कहेंगे अनकैपिंग तो कहेंगे अनकैपिंग इसका मतलब वो कैप ओपन अप करेंगे अंदर जाएंगे देखेंगे लार्वा अच्छा है या उसको इन्फेक्शन हुआ है इफ देर इज इन्फेक्शन दे विल रिमूव दिस लार्वा क्यों रिमूव किया जा रहा है रखकर भी मतलब नहीं है इसका इन्फेक्शन बाकी लोगों को हो तो इसको फेंक दिया जा रहा है ताकि बाकी जो लार्वा है जो नॉर्मल है उनको ही डेवलप किया जाए इस बिहेवियर को Uncaping कर कर, uh, infectious larva या जिनको इन्फेक्शन हुआ है जिनकी डेथ हो चुकी है उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है तो कौन करते ओके नाउ द क्वेश्चन आर आइज वेदर दिस बिहेवियर इज जेनेटिकल और लर्न इन वर्कर्स को किसी ने सिखाया है या जेनेटिकल है बाय डिफॉल्ट तो हम हाइब्रिडाइजेशन कर एक्सपेरिमेंट कर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर नॉर्मल कर, तो कुछ हाइजेनिक वर्कर्स क्वीन का क्रॉस नॉन हाइजेनिक ड्रोन्स के साथ किया गया और ये होमोजाइगस रहेंगे ना जो भी जीन्स रहेंगे इन दोनों का क्रॉस करने के बाद पता चला एफ वन जनरेशन आएगी ऑल आर ऑल आर नॉन हाइजेनिक सभी के सभी नॉन हाइजेनिक है तो हमने तो सोचा प्रोबेबली वर्कर्स को कौन ट्रेनिंग देते होंगे ड्रोन ट्रेनिंग देते होंगे ओके okay, तब जाकर सभी के सभी नॉन हाइजेनिक बन रहे हैं ना क्योंकि एक ही पेरेंट जैसा दिख रहा है कोई एक ही प्रकार का दिख रहा है इसका मतलब फ्यूजन तो नहीं हो रहा है पार्शियल हाइजीनिक पार्शियल नॉन हाइजीनिक ऐसे तो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये जेनेटिकल नहीं यहाँ तक तो इस इतना ही समझ में आ रहा है उसके बाद हमने इस नॉन हाइजीनिक का क्रॉस किया उसका हमने टेस्ट क्रॉस कराया इसको जेनेटिकल मान ले या जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा उसको क्या कहेंगे डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट तो इसका मतलब नॉन हाइजीनिक बिहेवियर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हमने क्या किया इस नॉन हाइजीनिक का टेस्ट क्रॉस कराया टेस्ट क्रॉस कराया मीन्स वापस किसके साथ क्रॉस कराया हाइजेनिक के साथ क्रॉस कराया टेस्ट क्रॉस करने पर हमें चारों प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स मिले चार प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स मिले चार कौन से प्रकार थे बहुत मान लीजिए सौ ऑफस्प्रिंग है सौ में से पच्चीस ऐसे है जो के नॉट कैरी आउट नॉट एबल टू और इन शॉर्ट लिखेंगे ये कुछ पच्चीस है अनकैपिंग नहीं कर सकते एंड कैन रिमूव द लार्वा रिमोव भी नहीं कर सकते अनकैपिंग भी नहीं कर पा रहे रिमोल भी नहीं कर पा रहे कुछ है पच्चीस अनकैपिंग करते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर पाते लार्वा अंदर जाकर देखेंगे लेकिन बाहर उठा कर नहीं फेंकेंगे ओके okay? ये है उनकी बिहेवियर उसके बाद कुछ कुछ है जो कंपार्टमेंट खुले हैं, अनकैपिंग नहीं कर सकते लेकिन रिमूव कर सकते हैं मीन ऑलरेडी किसी ने खोल कर खा हुआ है अंदर जाएंगे जो डेड लार्वा है उसको उठाकर बाहर फेंकेंगे रिमूव कर सकते हैं लेकिन अनकैपिंग नहीं कर सकते और कुछ ऐसे है जो कि दोनों चीजें कर सकते हैं और सभी के सभी ऑपटेन हुए वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन के रेशियो में मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे यहाँ से वॉट आर दंक्लूजन ऑफ टेन क्या है पहली बात तो ये कंक्लूजन निकल रहा है ये जेनेटिकल है ये रेशियो नहीं आता फिर जेनेटिकल नहीं रहते तो वापस नॉन हाइजेनिक बनने चाहिए थे 100%. ये जेनेटिकल है क्योंकि कुछ हाइब्रिड बने ना यहां पर अनकैपिंग कर पा रहे लेकिन रिमूव नहीं कर पा रहे कुछ हाइब्रिड ऐसे जो रिमूव कर पाते हैं लेकिन अनकैपिंग नहीं कर पाते मीनस कुछ इन्फ्यूजन वाले बन रहे फ्यूजन वाले इंटरमीडिएट बन रहे ये जेनेटिकल है हाउ मेनी जींस आर रेस्पॉसिबल टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल वाई बिकॉज दिस इज अ टेस्ट क्रॉस रेशियो जीनोटाइप ऑफ क्वीन क्वीन का जीनो टाइप क्या रहेगा मान लीजिए अनकैिंग के लिए हम कैपिटल यू यूज करें और रिमोल के लिए कैपिटल आर यूज करें तो so, क्वीन का जीनो टाइप हाइजेनिक थी ना क्वीन स्मॉल यू स्मॉल आर स्मॉल आर क्योंकि हाइजेनिक कैरेक्टर और ड्रोन्स कैसे होंगे कैपिटल यू कैपिटल यू कैपिटल आर कैपिटल आर और ये जो हाइब्रिड कैपिटल है स्मॉल आर ठीक है उसके बाद कैपिटल यू स्मॉल आर स्मॉल आर का क्रॉस हमने स्मॉल आर स्मॉल आर के साथ किया तो इन चार अलग अलग प्रकार के जीनो टाइप्स हमें मिले ना और चार अलग अलग, अलग प्रकार की फिनोटाइप भी मिली इसका मतलब दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है और दूसरे बात क्या फॉलो कर रहे हैं कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों जींस एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है अब तक की इंफॉर्मेशन से तीन चीजें प्रूव हुई हाइजेनिक बिहेवियर इन द हनी बीज इज जेनेटिकल टू जींस आर रेस्पॉन्सिबल एंड टू जींस आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोज दे शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओके सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाइजेनिक सॉरी जेनेटिकल बिहेवियर नेक्स्ट है बेटिंग पार्टनर दिस इज दिहेवियर कॉल्ड एज कर्टिव बिहेवियर और ऐसे जितने भी बिहेवियर्स है जो मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए हो, होते हैं उनको कर्सिप बिहेवियर कहाँ पर मेल में क्या स्टेप्स में या किस प्रकार का बिहेवियर है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए सो व्हाट आर दी स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज ये फर्स्ट स्टेप है ओरिएंटेशन द फर्स्ट स्टेप इज द ओरिएंटेशन तो फीमेल्स के आगे जाकर फ्रंट टू फ्रंट रुक जाएगा सो दैट इज फर्स्ट स्टेप उसके बाद है टैपिंग नेक्स्ट स्टेप है टैपिंग ये स्टीरियोटाइपिक इवेंट्स है पैटर्न है कुछ प्रकार का टैपिंग तो मेनली अपने फ्रंट लेग्स का यूज कर फीमेल कर की बैक पर टैप करना स्टार्ट करेगा सो दैट इज कॉल्ड टैपिंग उसके बाद है वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस आर डन बाय विंग्स वाइब्रेशंस करना स्टार्ट करेगा अपने विंग्स का यूज कर, कर ज्यादा फड़फड़ाएगा ओके okay? इस प्रकार की चीजें होंगी हम हम आगे डिस्कस करेंगे इसको वैगल डांस कहा जाता है बेसिकली

और इट्स कर्सिप बिहेवियर के लिए हमने देखा एक जीन रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है फ्रूटलेस तो जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस करसिप बिहेवियर इज द फ्रूटलेस जीन क्योंकि हम फ्रूटलेस जीन को नॉकआउट कर दे मेल से तो वह मेल कर्सिप बिहेवियर शो नहीं करता है किसी भी फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा और नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी ओके okay? तो ये जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जीन में किसी भी प्रकार का लॉस ऑफ फंक्शन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि जिसमें इस प्रकार के जीन्स में लॉस लौ, ऑफ फंक्शन होगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी और आज पॉपुलेशन में सभी ऐसे मेल आपको देखने मिलेंगे जिसके पास एटलीस्ट फ्रूटलेस की एक कॉपी तो भी क्या है नॉर्मल है लॉस ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी टॉलरेटेड ओके तो दिस इज अबाउट जेनेटिकल बिहेवियर्स जेनेटिकल बिहेवियर्स जो है ये जीन्स से डिटरमाइन होते हैं ड्रॉबैक क्या है हम हमारे हिसाब से इनको चेंज नहीं कर सकते कंडीशंस के हिसाब से आप इसको मॉड्यूलेट नहीं कर सकते और ये बहुत सिंपल प्रकार के बिहेवियर्स से इसके अलावा भी और कुछ बिहेवियर्स से जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे बेगिंग द फूड बाय द न्यूबॉन्स टू द मदर दिस इज़ अगेन अ जेनेटिकल बिहेवियर कोई ट्रेनिंग नहीं देता है हाउ टू बेग द फूड फ्रॉम द मदर दैट इज़ नॉट ट्रेन बाय एनी वन दैट इज़ अ बाय डिफॉल्ट और जिसको नहीं आएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा उसका फिटनेस कम हो जाएगा ओके सो दैट इज अफेक्टिंग ऑन द सर्वाइवल तो इस प्रकार के बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो कि जेनेटिकल बिहेवियर्स